हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस, आपका डीपी एडिटर चैनल में वेलकम है। आज मैं आप लोगों को एडिटिंग के बारे में बताऊंगा। रेगुलरली हमारी एडिटिंग की वीडियो आएगी, डेली एक नई टॉपिक पे हमारी वीडियो आएगी। तो अगर आपको एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को भी ऑन कर लें। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो नोटिफिकेशन आएगी डेली और आप देख कर एडिटिंग सीख सकते हो। तो मैं ये आपको बताऊंगा कि आप फोन से कैसे एडिटिंग कर सकते हो, पीसी से कैसे कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कैसे किस तरीके से कर सकते हो, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। डेली हमारी एक वीडियो आएगी, हर एक टॉपिक पे एक वीडियो रहेगी। तो अगर हमको आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप मोबाइल के हेल्प से फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, क्योंकि बहुत लोगों के पास हमारे पीसी नहीं है भाइयों पास, जैसे कि मेरे पास भी नहीं था अभी तक, तो मैं फोन से ही करता था। तो चलिए मैं आपको मोबाइल के कुछ ऐप बताता हूँ जिससे आप वीडियो एडिटिंग फोटो एडिटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं फोटो एडिटिंग के बारे में आज बातें करूंगा और उस ऐप को बताऊंगा। तो सबसे पहले लाइटरूम ऐप आता है, जैसे कि इसका आप लोगों देख सकते हैं कुछ इस तरीके से होगा। ये आपको प्ले स्टोर पे अच्छे से मिल जाएगा, आप जाके लाइटरूम डालेंगे प्ले स्टोर पे हमको मिल जाएगा। आप उसको साइन अप करके लॉग इन कर सकते हैं और उसमें एडिटिंग सीख सकते हैं और उसकी वीडियो मैं आपको आगे लेके आऊंगा। और नेक्स्ट है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट में क्या होता है कि गाइस, कि हम कट करके कोई भी चीज कहीं भी कॉपी करना है, मतलब कलर ग्रेडिंग लाइटरूम में करना है और इसमें कट कॉपी करना जो भी है इसमें। ये नेक्स्ट ऐप हो गया, इसको आगे चल के मैं बताऊंगा। और एक हो गया थर्ड ऐप हो गया गाइस स्नैपसीड। स्नैपसीड भी हो गया, आप देख सकते हो ये स्नैपसीड है और स्नैपसीड में हम फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। और एक हो गया ऑटो बूस्ट, चौथा नंबर पे, इससे हम फेस स्मूथ कर सकते हैं। बहुत सी चीजें हैं, मैं सारी बाकी जितने भी वीडियो है हर एक ऐप का डेली एक वीडियो लाऊंगा, आप सीख जाओगे। तो ये सारे ऐप जितने भी है आपको लाइटरूम पे मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब